गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो वी हैव 3-4 स्टूडेंट्स ओनली। ओके, सो हैव यू रिवाइज्ड योर लिपिड मेटाबॉलिज्म टॉपिक? यस मैम। Okay, so I'll start with the enzymes only. what do you know about enzymes? हमने इतनी बार किया है, बार बार एंजाइम ये करते हैं, एंजाइम का ही काम है। रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप। या स्पीड अप। ओके, अनदर थिंग। और मैम सभी एंजाइम्स प्रोटीनेश नेचर के होते हैं। या ऑलमोस्ट दे आर प्रोटीनेशियस नेचर। फ्यू, वेरी फ्यू, जस्ट वेरी फ्यू आर नॉन प्रोटीनेशियस, बट जनरली एवरी एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीनेशियस नेचर। और कुछ? ओके, सो आई विल टेल यू। So you can see the screen on your this I have shared my screen on your phone, you can see them. Okay, is it visible? Yes ma'am. Yes ma'am. So okay, तो एंजाइम की डेफिनेशन, डेफिनेशन बेसिकली जो आपने बोला डेट इज फाइन, इट्स ओके के हाँ जी वो प्रोटीनेशन नेचर के होते हैं, वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, इट्स फाइन। वी कैन जस्ट मेक अ मोर क्लियर एंड क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ दैट एंजाइम, दैट इज दे आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट ओनली ओनली इफ वी टॉक अबाउट ओनली कैटलिस्ट, सो कैटलिस्ट इज बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एनी केमिकल कंपाउंड, ठीक है। कैटलिस्ट तो आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, उस कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है, नेचर उसका कुछ भी है, बेसिकली इट इज ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता जो कैटलिस्ट। सो दैट इज बेसिकली हेल्पफुल इन कैटलाइजिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कर रहे हैं, है ना। अब जो कैटलिस्ट है, ओनली कैटलिस्ट, दैट इज अ केमिकल कंपाउंड, जो भी केमिकल कंपाउंड है, कुछ भी है, वो कैटलिस्ट का काम होता है एक प्रोडक्ट से, सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनाना एंड टू स्पीड अप दैट रिएक्शन ओनली, ठीक है। उस चीज में वो हिस्सेदार बनता है जो कैटलिस्ट होता है, और वो उसकी कैपेबिलिटी होती है बेसिकली टू एक्ट एट वेरिंग टेम्परेचर, कि चाहे 100 डिग्री कर दो, चाहे कम कर दो, और पीएच को इंक्रीज कर दो, कम कर दो, तो अलग अलग कैटलिस्ट की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं कि वो काम करेंगे करेंगे और रिएक्शन को आगे प्रोसेस होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर हम बायोलॉजिकल नेचर की बात करें, दैट इज बायो कैटलिस्ट, सो बायो कैटलिस्ट आर those which play role in the biological systems, and enzyme is a type of biocatalyst, ya ek biocatalyst hi hai ek pura, jo ki increase karta hai rate of chemical reaction ko jo ki body ke andar ho rahe hain, and another good feature is without itself being changed in the overall process. ye bahut important term hai ki enzyme khud to role play kar raha hai, एंजाइम को एंजाइम कर रहा है, रिएक्शन को आगे इंक्रीज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, बट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन और इट्स नेचर, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं होने दे रहा, वो जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही मिलेगा। ना ही एंजाइम खत्म हो रहा है, ना ही एंजाइम की रिएक्टिव जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, हाँ बस उसने एक रिएक्शन को स्टार्ट करके उसको आगे प्रोसेस करवाने में उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसकी एंजाइम्स की ही प्रेजेंस में
रिएक्शन बॉडी में हो सकते हैं, दे आर फिजिबल, एंड जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो भी कुछ है वो सारा का सारा एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही काम करेगा. हमने जो भी किया है अब तक, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, एवरीथिंग, इट इज कंट्रोल्ड. ऑल द रिएक्शंस वर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम. हर एक छोटे छोटे स्टेप पे एंजाइम आता था, है ना. अभी एक ग्लूकोज से स्टार्ट करें अगर ग्लाइकोलाइसिस, तो फर्स्ट स्टेप में भी एंजाइम, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं है कि जिसमें एंजाइम ना आए. ओके, सो एवरीवेयर एंजाइम इज देयर, एंड एवरी स्टेप इन मेटाबॉलिक पाथवे और एनी डाइजेशन और एनी थिंग इन अकरिंग इन आर बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम. ओके, सो इट इज द बायोकैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज्ड इन द ओवरऑल प्रोसेस. वर्चुअली ऑल द सेलुलर रिएक्शंस जो मैंने अभी बोला जितने भी हैं, दे आर मीडिएटेड बाय द एंजाइम्स. वो करेंगे तो सही, वो सब्सट्रेट से प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनेगा. अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो पता नहीं कितने साल लगा दें एक रिएक्शन कंडक्ट होने में. हो तो जाएगा, पता नहीं कितने ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए होंगे एक सब्सट्रेट के, कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज नॉट कंफर्म्ड. सो मोस्ट बट नॉट ऑल enzymes are proteins, that is proteinaceous nature ka bol diya. Enzymes are highly specific, they are the basic properties of enzymes, you can say. We will do a detailed note on the characteristics or properties of enzymes. These are just the introduction part. Whenever you have to define an enzyme, you can write these as well along with that. So enzymes are highly specific and they exhibit enormous catalytic power. Catalytic power का मतलब है कि वो रिएक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करेगा, बट हाउ, हम बोल ही जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है या वो रिएक्शन को जल्दी करवा देगा, बट हाउ इट विल टेक प्लेस, इट विल बी बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अब किसी भी सब्सट्रेट ने प्रोडक्ट बनाना है तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, उस इंटरमीडिएट स्टेज को, वो इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है ना, वो बनाने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो उस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाए. जो सबस्ट्रेट्स हैं, जो भी सबस्ट्रेट्स हैं, वो उस ट्रांजिशन स्टेट पे जब भी पहुंचेंगे, उस चीज को पहुंचाने के लिए एंजाइम्स काम कर रहे हैं, और वो एनर्जी जो है वो अगर ज्यादा है तो वो, इसका मतलब ये है कि वहां पे एंजाइम्स नहीं है, लेकिन एंजाइम्स होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, और वो जो इंटरमीडिएट स्टेट है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, वो अटेन हो जाएगी. ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में करेंगे. सो दैट इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स. एंड देन इज के एंजाइम ईशांत कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसको मैसेज कर रहा है ग्रुप में. ओके ओके वेट ओके Ishant is join नहीं कर पा रहा, he's not able to join. Maybe there is a network problem on his side, I don't know. You can message him to keep trying. If not possible, then you can hear the recorded lecture as well. So what I was saying, okay, enzymes, they can be divided into two general classes. Iski classification thodi si detail mein hai, but generally they can be simple enzymes or they can be conjugated. Jaise lipids hote hain ya proteins hote hain, har ek ki aisi hi category or aisa hi type hai ki wo enzymes simple hain, to matlab ki usme entirely amino acids hain. Ab ye proteinaceous nature ke hain to usme amino acids bhi honge, so they will be formed of amino acids only. And conjugated enzymes jo hain, they contain a non-protein group as well.
उसमें एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी होएगा, तो डैट नॉन प्रोटीन ग्रुप जो है इट कंसिस्ट इट इज बेसिकली कॉल्ड कोफैक्टर. और जस्ट वेट फॉर अ मिनट, सम पीपल आर नॉट एबल टू जॉइन दिस क्लास, और शैल आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Gagan, are you there? Yes, ma'am. Okay, you have joined. But, okay, Ishant, I'll try again. Okay, Ishant is there now, hai na? Okay, hello, Ishant. So, are you able to hear? Yes, ma'am. Okay. So I started with the enzyme unit only. You missed the introduction part, no worries. You can hear the lecture again. I was saying that enzymes are basically the biocatalyst which increase the chemical reaction, the rate of chemical reaction basically, and they don't change their own properties, or they don't change their configuration at the end. जैसे वो पहले थे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन बस इतना है कि उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करने की प्रॉपर्टी होती है. और वो कैसे इंक्रीज करते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लोअर करके. सो मोस्टली दे आर प्रोटीनशियस इन नेचर एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू क्लासेस, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड. इट इज अ ब्रॉड कैटेगरी, सो वी विल डू डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आफ्टरवर्ड. तो ये सिंपल का मतलब यही है कि वो अमीनो एसिड से बने हैं, एंड कॉन्जुगेटेड का है कि उसमें नॉन प्रोटीन ग्रुप भी एक अटैच होएगा. द सिमिलर थिंग दैट वी हैव डन इन लिपिड्स, के लिपिड्स में क्या होता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन उसमें हाँ कोई ना कोई ग्लूकोज लग गया या कोई प्रोटीन लग गया, तो वो वैसा उनका नेचर हो जाएगा, लिपोप्रोटीन बन जाएंगे या ग्लाइकोलिपिड बन जाएंगे एक्सेट्रा. सो सिमिलरली एंजाइम्स में भी है, अगर सिंपल है तो वो प्रोटीन्स ही है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, एंड जो कॉन्जुगेटेड है दे आर हैविंग अ नॉन प्रोटीन ग्रुप एज वेल, एंड दैट नॉन प्रोटीन ग्रुप इज नेम्ड एज कोफैक्टर. And this cofactor is very much important for the biological activity. ठीक है, तो अगर तो cofactor को remove कर दें किसी भी एक enzyme में से, तो एक खाली जैसा enzyme, मतलब simple enzyme बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं apoenzyme. And it is not simple enzyme. Apoenzyme will be basically that enzyme that, or we can say apoenzyme is a conjugated enzyme from which cofactor has been removed, क्योंकि इसमें से एक cofactor का component remove कर दिया, और वो क्या होएगा, वो एक biologically inactive enzyme बन जाएगा. ठीक है, then the complete, अगर complete एक enzyme complete है, ये थोड़ी सी vocabulary है enzyme की. तो अगर एक complete enzyme है, उस complete enzyme को हम एक holo enzyme बोलते हैं, टर्म देते हैं होलो एंजाइम. एंड दिस होलो एंजाइम इज बेसिकली अ कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कंजुगेटेड एंजाइम, मतलब कि उसमें एपो एंजाइम, मतलब उसमें एक सिंपल एंजाइम भी है, साथ में उसके नॉन प्रोटीन फैक्टर दैट इज कोफैक्टर भी लगा हुआ है. और इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से, एंजाइम और कोफैक्टर की प्रेजेंस की वजह से, उसको एक कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, एंड दैट इज नेम्ड एज अ होलो एंजाइम. ठीक है, तो अ कंप्लीट एंजाइम इज नेम्ड एज होलो एंजाइम, एंड इनकम्प्लीट जो है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं. देन अ कोफैक्टर, इट कैन बी लिंक टू प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, आइदर कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली. अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, सो दैट इज अटैच्ड टू द एंजाइम, कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, तो या तो वो कोवलेंटली अटैच हो सकता है और नॉन कोवलेंटली. सो आई हैव टोल्ड दैट कोवलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, है ना, और नॉन कोवलेंट जो होते हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. सो इट मीन्स के जो को एंजाइम्स हैं दे आर
दो थिंग, मतलब जो को फैक्टर के भी आगे दो कैटेगरीज हम अगर बना लें कि उसमें एक को एंजाइम है वो वाले होते हैं जैसे मेटल आयंस हैं या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जो कि लूजली बाउंड है टू व्हाट एपो एंजाइम, मतलब वो वाला को फैक्टर जो कि एपो एंजाइम के साथ नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड है मतलब कि लूजली अटैच्ड है उसको को एंजाइम बोल देते हैं, एंड दैट को फैक्टर विच इज tightly associated with that apoenzyme, तो उसको prosthetic group बोलते हैं, ठीक है? ये terms आपको clear हो गए हैं? Yes or no? No ma'am. Yes. If you want me to repeat, I'll repeat. Yes ma'am. Okay. So cofactors, simple enzyme समझ में आ गया? देन कोड कंजुगेटेड एंजाइम्स हैं, ये वोकैबुलरी है, अगर ये समझ में आई होगी तो थोड़ा सा एंजाइम आगे जो इनहिबिशन है या काइनेटिक्स है वो इजी हो जाएगा समझने के लिए, एंड यू शुड नो कि कौन सी चीजें आपकी डाइट के लिए अच्छी हैं कौन सी चीजें नहीं अच्छी, इस बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो. सो व्हाई विटामिन आर ऑलवेज आस्क्ड बाय द डाइटिशियंस और डॉक्टर्स टू टेक एज सप्लीमेंट, इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम के एक को फैक्टर्स होते हैं. अगर एंजाइम को अच्छे से काम करना है तो उसको को फैक्टर्स चाहिए, और अगर को फैक्टर्स अच्छे से मिल रहे हैं तो एंजाइम अच्छे से वर्क कर रहा है, और जो भी आपका मेटाबॉलिज्म है उसमें जितने भी एंजाइम काम कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे. अगर उसको कोई भी विटामिन की कमी मिल गई, कोई भी डेफिशिएंसी हो गई, तो वो कोफैक्टर नहीं आ रहा है. अगर कोफैक्टर नहीं आ रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी अपसेट हो जाएगी, मतलब होएगा, रिएक्शन हो रहा है बट अच्छे से नहीं हो रहा, वो गुड स्पीड में नहीं हो रहा. जैसे मैंने बोला था कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ये नहीं हो पाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर्स, क्योंकि एक एंजाइम को कम्प्लीटली बायोलॉजिकल एक्टिव होने के लिए इट नीड्स समथिंग, ठीक है? तो उसको चाहिए कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप. कोएंजाइम बोला कि जो कि लूजली बाउंड होते हैं, मींस के दे आर लिंक्ड टू दैट एपोएंजाइम पोर्शन नॉन कोवलेंट की. नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती हैं जैसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, आयनिक इंटरेक्शन होगी, ठीक है? तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं वो, ठीक है? तो कोवलेंट बॉन्ड से हैं तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं उसको, ये हमेशा जुड़ा ही रहेगा. लेकिन जो को फैक्टर, जो को एंजाइम हैं वो ये हैं कि लूजली बाउंड हैं, तो वो आ जाएंगे साथ में तो एंजाइम अच्छे से काम करने लग जाएगा. अगर वो निकल जाएंगे बाहर तो वो एक नॉर्मल, एक खाली एपो एंजाइम बन जाएगा, ठीक है? So that's why whenever we have done the biochemical metabolism pathway, तो उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी. हम बोलते रहते थे कि for example एक इनोलेज है, ये हमने पढ़ा था ना इनोलेज, तो इनोलेज को मैंगनीज आयन की प्रेजेंस की जरूरत है, ये हम वैसे बोलते थे कि जरूरत है, बट why that you have understood now कि मैंगनीज acts as a cofactor और ये इनोलेज की को एक एक इनोलेज का जो एपोएंजाइम वाला पार्ट है उसके साथ अगर ये कोफैक्टर जुड़ेगा तभी इनोलेज एक कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव एंजाइम बनेगा और वो रिएक्शन अच्छे से करेगा, ठीक है? ऐसे ही हेक्सोकाइनेज पढ़ा है हमने, कितनी बार पढ़ा है, उसमें ये है कि मैग्नीशियम आयंस की जरूरत है. देन वी हैव रेड अबाउट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो उसमें जिंक आयंस की जरूरत है, एंड आयरन, वेयर इज आयरन नीडेड इन दीज रिएक्शन. Peroxidase इतनी बार पढ़ा है, catalase पढ़ा है, so all these reactions, they, all these enzymes basically need some cofactors, और वो हैं organic और inorganic ions. Then is the classification basically. So we'll do till classification today. उसके बाद जो उसकी properties हैं या उसकी और importance है वो हम कल करेंगे. So classification की थोड़ी सी advanced है, इसमें है कि many enzymes have common names. कॉमन नेम्स तो हमें पता है, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम है कि वो प्रोटियोलिसिस कर रहा है. प्रोटियोलिसिस कर रहा है मतलब वो डाइजेशन में उसका काम है प्रोटीन को ब्रेक करना. अब इसके आगे क्लासिफिकेशन में आगे सब टाइप क्या होगी कि कौन से प्रोटीन को कौन सा एंजाइम ब्रेक कर रहा है,
ओवरऑल कैटेगरी तो ये है कि वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, उसने प्रोटीन को ब्रेक करना है, लेकिन कौन से एंजाइम को ब्रेक करना है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, किस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट कर रहा है और किस प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को, तो ये सारा का सारा एक एंजाइम कमीशन है, उसने एक बड़ी सारी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दिया है और नॉमेनक्लेचर बनाया है, और इसमें हर एक एंजाइम की क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच दैट एंजाइम कैटलाइजर, ठीक है। तो उसने पहले मेजर मेजर क्लास दी है, देन उसको सब क्लास में डिवाइड किया एंड फर्दर सब सब क्लास में डिवाइड किया, एंड आफ्टर दैट जो लास्ट नंबर जो होता है इसमें फोर डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल दे आर टॉकिंग अबाउट हेक्सोकाइनेज, तो इसमें ईसी का मतलब के एंजाइम कमीशन, एंड दिस टू इज बेसिकली द सेकेंड क्लास ऑफ द दैट क्लासिफिकेशन विच दे हैव गिवन, देन सेवन उसमें आ जाएगी उसकी सब क्लास, उसके बाद जो वन है दैट इज उसकी भी आगे सब सब क्लास, एंड आफ्टर दैट द लास्ट नंबर इंडिकेट कि जिस सीरियल नंबर में उनको ऑर्डर में लगाया है, चाहे वो अल्फाबेटिकली लगाया हो, चाहे वो उन्होंने उसकी डिस्कवरी के बेस पे लगाया हो, चाहे उन्होंने ऐसे ही रैंडमली कि ये है एंजाइम, ये है ऐसे लगाया हो, तो दिस इज हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी एंजाइम इज डन। तो ब्रॉडली उसकी जो फर्स्ट इंटीजर है, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने सिक्स मेजर क्लासेस बनाई हैं। अब उसके बाद मतलब कि ये वन से लेके सिक्स तक जाएगा, ठीक है, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स, तो टू में ये अगर प्लेस है, तो ऐसे ही अगर वन की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल दिया उन्होंने एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का, एंड व्हाई इट इज वन 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 वन, ये सबसे पहले वाले रिएक्शन में है जिसमें ये वाला केमिकल रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है, देन उसके बाद उसकी सब क्लास भी फर्स्ट है, उसकी आगे सब सब क्लास भी फर्स्ट है, तो इतनी डिटेल में नहीं हमने करना, बट यू नीड टू नो दिस थिंग ओनली कि कैसे उनकी क्लासिफिकेशन होती है और किस बेसिस पे होती है। फर्स्ट एंड लास्ट इंटीजर आपको समझ में आ गया, अब हम फर्स्ट इंटीजर का ही मेन पढ़ेंगे क्योंकि यही मेजर क्लासिफिकेशन है, इसके बाद कुछ और नहीं है। सो फर्स्ट इंटीजर इज बेसिकली इट इज डिटर्मिनिंग द मेजर क्लास ऑफ दैट एंजाइम जिसको वो बिलोंग करता है, इसमें छह डिफरेंट रिएक्शंस या एंजाइम की क्लासिफिकेशन के नेम आएंगे, जिसमें होता है फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज में है कि पढ़े है हमने, सारे पढ़े हैं, आपको एक बार ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये तो हमने पढ़ा था, कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है, कहीं रिडक्शन हो रही है ना, तो कैसे था वो, जैसे लिपिड्स में किया था कि अब रिडक्शन होने लग पड़ी, दो बार रिडक्शन है, या हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन हो रही है, बीटा ऑक्सीडेशन, दो बार ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसमें जो एंजाइम उसमें प्रेजेंट है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर क्लास दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब के जो भी एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले वाले रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं वो इस क्लास में प्लेस्ड है, ठीक है। उनका नाम डिफरेंट हो सकता है, उनकी सब क्लास हो सकती है, लाइक दे कैन बी डीहाइड्रोजिनेज, मतलब वो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है, जैसे ये, ठीक है, मतलब यहाँ से उसने क्या निकाल दिया, ये प्रोटोन निकाल दिया ना बाहर, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। देन इज ऑक्सीडेजेस, ठीक है, ऑक्सीडेजेस मतलब कि वो ऑक्सीजन अटैच कर रहा होगा या वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, वो ऑक्सीजनेजेस होते हैं जो ऑक्सीजन एड ऑन करते हैं। देन इज रिडक्टेजेस जो कि रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। देन परऑक्सीडेजेस जिसमें वो परऑक्सीजन होती है ना, H2O2 परऑक्साइड, दैट इज इन्वॉल्व्ड। एंड देन इज हाइड्रोक्सिलेजेस, ये इसकी भी आगे, मतलब जो फर्स्ट है उसकी भी आगे ये सब सब क्लास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इतनी डिटेल में नहीं हमने जाना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कैसे है। फर्स्ट द मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि किस बेसिस पे है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बेसिस पे उन्होंने उसको, वो वाले एंजाइम्स को इस कैटेगरी में रखा है।
चाहे वो ये रिएक्शन कर रहे हैं चाहे ये कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही, और किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, देन सेकेंड इज ट्रांसफरेजेस. अब ट्रांसफरेजेस के बारे में भी आपने सुना है ना, कितनी बारी हमने वो मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलाइसिस में किया है, दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज सिक्स क्या किया था, नहीं ग्लूकोज से हमारा बन रहा था ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ना, तो ये आ गया हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में. ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वी हैव डन दिस. सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एटीपी हाइड्रोलिसिस वगैरह कर रहा है तो ये हाइड्रोलिसिस वाले कैटेगरी में आएगा. इसमें ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप का, कौन से ग्रुप्स का, या तो अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप और मिथाइल और फॉस्फोरिल और एसाइल, जितने भी ग्रुप्स की ट्रांसफर हो रही है कहीं के कहीं पे भी. अब यहाँ पे चाहे हाइड्रोलिसिस हो रही है एटीपी की, बट उसमें ग्रुप जो फॉस्फेट है ट्राई फॉस्फेट में से जो एक फॉस्फेट वाला है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है यहाँ पे. सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, दैट इज अमाइनो कार्बोक्सिल कार्बोनिल कोई भी ग्रुप है अगर वो ट्रांसफर कर रहा है रिएक्शन का, वो वाले रिएक्शन में वो पार्ट ले रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है, देन दैट एंजाइम इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफरेज कैटेगरी. ओके, देन है थर्ड कैटेगरी दैट इज हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस वो है विच कैटलाइजेस द रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज अकम्प्लिश्ड बाय व्हाट, एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें ये है कि जब भी हमने रिएक्शन किए हैं जिसमें हमने किया है कि हाँ जी जी वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड हो रहा है उसके बाद कुछ ना कुछ बन रहा है, लेकिन अगर वो अकेला वाटर के एडिशन के साथ कुछ ये नहीं कि सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वाटर की एडिशन के बाद उसकी बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है यहाँ पे अगर वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, एक कोई भी प्रोटीन था उसका पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ था, वो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है लाइक दिस इज मेनली प्लेइंग रोल, अगर आपको याद हो तो ये सी टर्मिनल पे के वाले जो भी अमाइनो एसिड के साथ जो भी पेप्टाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है इन द डाइजेशन पार्ट ऑफ प्रोटीन, यू हैव डन दिस. तो उसको ये ब्रेक करता है, तो लेकिन ब्रेक तो कर रहा है लाइक क्लीवेज तो हो रही है बॉन्ड की, बट हाउ, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन दोज एंजाइम्स व्हिच प्ले रोल इन दिस दीज टाइप ऑफ रिएक्शन इज दे हाइड्रोलाइज द बॉन्ड, दे ब्रेक द बॉन्ड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर इंक्लूडेड इन द हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी. सो दे कैन बी एस्टरेजेस, फॉस्फेटेजेस और पेप्टाइडेजेस. ठीक है, ये इसकी आगे सब क्लास होगी. देन आर दी लाइजेस भी आपने सुना है बहुत बार कि लाइजेस आर दोज एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द रिएक्शंस इन व्हिच ग्रुप्स लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दे रिमूव्ड, वो रिमूव हो रहे हैं किसी पे भी, तो फ्रॉम हाउ, इफ इट इज रिमूविंग समथिंग, अगर कुछ रिमूव हो रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड की जो है आर रिमूव टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और या फिर दे आर एडेड टू अ डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड बन रहा है या वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैच हो रहे हैं. ठीक है, तो इनका जो है रिमूवल हो रहा है या तो डबल बॉन्ड के ऊपर जाके वो लग रहे हैं, दे आर एडेड टू द डबल बॉन्ड और दे आर रिमूव्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, जैसे इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि पाइरूवेट से पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है. अब जहां से अमोनिया भी बाहर जाता था वो यूरिया बन रहा था, है ना, नहीं यूरिया नहीं, जिसमें अमोनिया बाहर निकल रहा था इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स, उसमें भी हमने किया था जो भी एंजाइम उस वो वाले रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं तो उनको भी हम लाइजेस की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. तो पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज इज व्हाट, इट इज अ लाइज, ये लाइज वाली कैटेगरी में है. और ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जानी है तो यहाँ पे ऑफकोर्स
डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा ना. देन इज द फिफ्थ कैटेगरी दैट इज आइसोमेरेसिस. दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो होते हैं वो इसकी ये वाले एंजाइम्स की वजह से होते हैं. जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है या एपिमेरेसिस होते हैं. इसमें इसमें भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ गई, तीन बेसिकली. वन इज आइसोमरेज, देन इज एपिमेरेज और है म्यूटेज, है ना. तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में ही ज्यादा पढ़े हैं, जिसमें ये बेसिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं. मतलब कि हेट्रोजीनस मतलब कि ये सेम एक ही वो होमो एंजाइम नहीं है, हेट्रो हेट्रो इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं. डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन इसमें अटैच्ड हैं टू फॉर्म अ सिंगल एंजाइम. एंड इसमें अगर आइसोमेरेसिस की कैटेगरी की बात करें देन दे विल कैटालाइज सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट. एंड वो क्या करेंगे, आइसोमर्स यील्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैलेट से अगर मैलेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से फ्यूमरेट बन जाएगा. मतलब कि इसमें आइसोमर ही बन रहा है, सारा ओवरऑल मेकअप इसका सेम है. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या उसका रिएक्शन जो उसका कंपोजिशन है, दैट इज इसमें इतने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है. तो ये मेकअप तो टोटल इसका भी सेम है और मैलेट का भी सेम है. तो ये दैट इज सेम बट दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज मैलेट, दिस इज फ्यूमरेट. एंड अगर इसकी प्रेजेंस अगर इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट आइसोमरेज देन दिस एंजाइम विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ दिस एंजाइम क्लासिफिकेशन, जिसमें फिफ्थ कैटेगरी है आइसोमरेजेस की. हम ये नहीं कि इसको ऊपर नीचे लिख दें, ये नहीं है कि आइसोमरेसिस हमें पहले ही याद आ गया तो इसको सेकंड नंबर बना लो. ठीक है, इसकी अगर क्लासिफिकेशन एक सिरे से स्टार्ट हुई है तो ये ऐसे ही होगी. कभी भी इसकी जो सीरियल नंबर है वो चेंज नहीं करना. ये ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड इज ट्रांसफरेज, थर्ड इज हाइड्रोलेज, फोर्थ इज लाइज, फिफ्थ इज आइसोमरेज एंड लास्ट इज लाइगेजेस. लाइगेजेस का मतलब ही होता है कि कोई भी बॉन्ड है उनको जोड़ देना आपस में. लाइगेजेस का वर्ड इटसेल्फ मींस कि उसमें कोई ना कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है. नहीं, चाहे कार्बन कार्बन है, चाहे कार्बन सल्फर बॉन्ड है, चाहे कार्बन ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन नाइट्रोजन है, इसकी ही फॉर्मेशन करनी है. और ये लाइगेशन रिएक्शन होता है कि इसमें जब भी रिएक्शन होएगा तो वो जोड़ेगा ही, बॉन्ड बनाएगा ही कोई ना कोई. एंड द एनर्जी which is required for the formation of bonds is basically supplied by the ATP. ATP hydrolysis में ही ये reaction होंगे. अब ये नहीं कि ये भी carboxylase है तो इसको उस category में include कर दो. But ligases हैं, इसमें इस reaction में अगर ligation reaction हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे carbon dioxide का bond बन रहा है, तो इसको हम ligases की category में include करेंगे this enzyme. Okay? तो ये नहीं कि लाइगेजेस वाले रिएक्शन को हम लाइगेजेस वाले में इंक्लूड कर लें. लाइगेजेस इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें बाहर निकल रहा है, ये वाले ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लाइगेजेस में जोड़ रहे हैं हम. जोड़ना है, तोड़ना नहीं है. इसमें जोड़ रहे हैं और जोड़ के नए कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने हैं. ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. और यहाँ तक ही हम आज कर रहे हैं. और इसकी क्लासिफिकेशन जो ब्रॉड है वो 6 क्लासेस में ही बतानी है. कभी भी इसकी जो सीरियल नंबर है उसको चेंज नहीं करना. अगर क्लासिफिकेशन लिखनी है तो 1, 2, 3, 4 इसी बेस पे और यही यही नाम आएंगे. गॉट इट? यस मैम. ओके, सो टिल दिस वी आर stopping this lecture. So from tomorrow I'll start with the next type. जो भी इसकी आगे वाले topics होंगे, जिसमें हम enzyme की active site, substrate, enzyme की activity, ये वो सब चीजें पढ़ेंगे. ठीक है? Okay then. Please keep revising, which I am already doing in the class. I'll share the notes as soon as possible. Yes, ma'am. Okay, bye.